हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं वो हमारा जीके के ऊपर में। धीरे धीरे हम जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे कवर कर लेंगे। उसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज में हमारा जो पैलेट जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो है एनिशेंट हिस्ट्री। चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले एनिशेंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म को, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो आज हम उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, फिर उनके जन्म के बारे में बात करेंगे, फिर उन्होंने सन्यासी कैसा बनना स्टार्ट किया उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी छोटा सा होने वाला है फ्रेंड, प्लीज ध्यान से देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें की गई है, ठीक है? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता का नाम था माया देवी या महादेवी, ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए क्या नाम था, माया देवी या महादेवी, ठीक है? ये कौन से वंश से रिलेटेड थे? तो ये थे कोयली वंश से रिलेटेड। ये बातें आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्या था गौतम बुद्ध के माता का नाम, क्या था माया देवी या महादेवी, ठीक है? कौन से वंश से रिलेटेड थे? कोयली वंश। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उनके जो पिता का नाम था वो था सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी या महादेवी, पिता का नाम सुद्धोधन, कौन से वंश से रिलेटेड थे? ये क्षत्रिय से, ठीक है? क्षत्रिय कुल के राजा थे। दोनों का विवाह होता है तो उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम क्या पड़ा फ्रेंड्स? गौतम बुद्ध, ठीक है? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, माया देवी या महादेवी, माता का नाम कौन से वंश से रिलेटेड है? कोयली वंश से। पिता का नाम सुद्धोधन, क्षत्रिय कुल से रिलेटेड थे। दोनों का विवाह होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है गौतम बुद्ध, और बचपन का नाम ही क्या था उनका? सिद्धार्थ था, और इन्हें ही तथागत नाम भी कहा जाता है, ठीक है? इन्हें तथागत कहा जाता है। चलिए अब देखिए, कुछ समय के बाद में क्या होता है, माया देवी जो महादेवी थी गौतम बुद्ध की माता, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड्स? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद माया देवी की एक बहन होती है, ठीक है? एक बहन होती है जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी होता है, ठीक है? देखिए महाप्रजापति गौतमी, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा क्या चीजें हो रही है। माया देवी और सुद्धोधन, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी, पिता का नाम सुद्धोधन, दोनों का विवाह होता है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, उस समय बाद क्या होता है माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तो जो सुद्धोधन थे उनके पिता, वो उनकी मौसी मतलब महाप्रजापति गौतमी जो माया देवी की बहन थी उनके साथ में उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है और एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिनका नाम नंदा और नंदी रहता है, ठीक है? यहाँ तक चीज आपको क्लियर है। चलिए अब देखिए, सुद्धोधन की एक बहन रहती है पामिता, सुद्धोधन की एक बहन रहती है पामिता, और सुद्धोधन जो राजा थे उनके एक सेनापति होते हैं सुप्त बुद्ध, ठीक है? देखिए सुद्धोधन की एक बहन थी पामिता और सुप्त बुद्ध जो सेनापति थे उन दोनों का विवाह होता है और उनसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिनका नाम क्या होता है? यशोधरा होता है, ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? मक्ष छना भी बोलते हैं, और यशोधरा, ठीक है? तो आपको यशोधरा याद रखना, दोनों ही नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? देखिए कंडीशन क्या क्या हुई थी, चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। माया देवी या महादेवी कोयली वंश से रिलेटेड थी, जो माता थी इनकी गौतम बुद्ध की, और पिता सुद्धोधन क्षत्रिय कुल से थे, दोनों का विवाह होता है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है? तो उस समय पश्चात क्या होता है, माया देवी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो बहन रहती है महाप्रजापति गौतमी उनके साथ में विवाह हो जाता है सुद्धोधन का, और उनसे एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है जो कि नंदा और नंदी होते हैं, ठीक है? अब देखिए सुद्धोधन की एक बहन रहती है पामिता और एक सेनापति रहते हैं उनके राज्य में उनके सुप्त बुद्ध, उन दोनों का विवाह हो जाता है, उनसे पुत्री की प्राप्ति होती है यशोधरा। अब ये यशोधरा का ही विवाह सिद्धार्थ के साथ में हो जाता है, जब विवाह होता है तो 16 वर्ष के रहते हैं सिद्धार्थ, ठीक है? अब इन दोनों विवाह के बाद में एक गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम राहुल रहता है, और उस जब ये पुत्र की प्राप्ति होती है तब जो गौतम बुद्ध रहते हैं ये 29 वर्ष के रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? ये फैमिली बैकग्राउंड था, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए तो जन्म स्थल की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए 563 में इनका जन्म होता है और जो मृत्यु होती है 483 में, ठीक है? 563 इनका जन्म है, 483 मृत्यु है। वैशाख पूर्णिमा के दिन में इनका जन्म होता है, कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? लुम्बिनी राज्य कपिला वस्तु, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, जन्म कहाँ पे हुआ, देखिए 563 में हुआ, मृत्यु कब हो गई 483, 563, 483, ठीक है? कहाँ पे, स्थान की बात किया जाए तो लुम्बिनी कपिला वस्तु राज्य में हुआ,
ठीक है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो रुग्णीद स्तंभ से मिलती है अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के द्वारा रुग्णीद स्तंभ अभिलेख से हमें ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। चलिए, आई होप इतने सारी चीजें आपको पॉइंट क्लियर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं की गई है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम उसके जन्म की बात कर लेते हैं, 563 जन्म का हुआ था, 563 में जन्म का जो चिन्ह है इनका ये है हाथी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, हाथी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए ये हाथी क्यों हुआ, देखिए ऐसा माना जाता है कि जो महादेवी थे इनके जन्म के टाइम में, सिद्धार्थ के जन्म के टाइम में या गौतम बुद्ध के जन्म के टाइम में उन्हें सपने में आता है और हाथी उनकी प्रतिमा करके उनके शरीर में समा जाता है, इसलिए उनके जन्म चिन्ह को क्या माना जाता है, हाथी माना जाता है, ठीक है। जन्म चिन्ह क्या है, हाथी। देखिए माता का जो घर रहता है, माता का घर वो है देवदेव, देवदेव माता का घर मतलब माता कौन थी, माया देवी या महादेवी माता, ठीक है, किसकी, गौतम बुद्ध की, और उनका जो मायके था वो कहाँ था, देवदेव। जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था तो जाते टाइम में क्या होता है, प्रसव पीड़ा होती है और विपिन वृक्ष के नीचे में क्या हो जाता है, सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए जन्म होते टाइम में एक ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड, क्या है, असित मुनि, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, असित मुनि, ठीक है, असित मुनि एक महर्षि रहते हैं, ठीक है, उनके राज्य में असित मुनि, तो जैसे ही वो गोद में रहते हैं उसे रोने लग जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा, बुद्ध बनेगा, और ये जब बुद्ध बनेगा तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा, ठीक है, इसी वजह से ये रो रहे रहते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद में इनका नामकरण समारोह होता है, नामकरण समारोह में उनके जो पिता थे सुदोधन वो आठ महर्षि को बुलाते हैं, कितने महर्षि को बुलाते हैं फ्रेंड्स, आठ महर्षि को, ठीक है, आठ महर्षि को बुलाते हैं, तो उनमें से जो सात रहते हैं उन्होंने जो भविष्यवाणी करते हैं क्या बोलते हैं, ये बड़ा होके राजा बनेगा या तो बुद्ध बनेगा, ठीक है, दोनों ही बातें कहते हैं, बड़ा होके राजा बनेगा और या बुद्ध बनेगा, लेकिन एक उनमें से सबसे छोटा जो महर्षि रहता है कौंडिन्य, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, या केवल बुद्ध बनेगा। तो ये बात सुन के ही जो उनके पिता थे सुदोधन थोड़ी सी चिंतित हो जाते हैं और ये चाहते थे कि गौतम बुद्ध ऐसा कुछ भी ना करे, इसलिए क्या क्या करते हुए पूरा वातावरण जो रहता है बाहर के माहौल से वो बिल्कुल अलग रखना चाहते थे और पूरा वातावरण वो महल में ही लाके दे देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पॉइंट लिखे, सभी वातावरण महल में दिया जाता है कि बाहर के दुनिया से अवगत ना हो पाए, ठीक है। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें होने के बाद सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ ने क्या होता है, कुछ समय के बाद में इच्छा जताते हैं अपने पिता से कि मुझे कपिल वस्तु की क्या करनी, सैर करनी, ठीक है। कौन, सिद्धार्थ इच्छा जताते हैं कि हमें कपिल वस्तु की सैर करनी है, ठीक है। तो जो उनके पिता रहते हैं सुदोधन के पिता रहते हैं, सॉरी सिद्धार्थ के पिता रहते हैं सुदोधन, उन्होंने क्या करते हैं, राज्य में घोषणा करवा देते हैं जिनकी कोई भी ऐसा चीजें ना हो, ऐसा कोई भी दृश्य ना हो जिससे सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तन हो, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीजें ना हो, ऐसा दृश्य ना दिखे जिससे सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तन हो, बट ऐसी घटना घट जाती है जिससे सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो वो दृश्य क्या होता है, देखिए दृश्य जो होता है हमें चार पॉइंट याद रखनी है। पहले देखिए जो उनके सारथी रहते हैं, घोड़ा रहता है, एक सारथी रहता है, उसके साथ में वो जाते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को पहले देखा, उन्होंने पूछा अपने साथी से कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, ये देखते हैं, और ये थोड़े से चिंतित हो जाते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है, कि बूढ़ा व्यक्ति ऐसा होता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा बूढ़ा व्यक्ति को अपने महल में नहीं देखा था। फिर कुछ दूर चलते फिर एक उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, फिर कुछ दूर चलते फिर एक सौ को देखते हैं, और कुछ दूर एक चलने के बाद एक सन्यासी को देखते हैं जिसके चेहरे पे बहुत तेज रहता है और उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग रहती है। तब उन्होंने अपने साथी से पूछते हैं कि ये कौन है, तब उन्होंने बोलते हैं, तब उन्होंने बताया कि ये एक सन्यासी है, ठीक है, और ये देखते ही उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्यागने को ही कहा, क्या कहा गया है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है, गृह त्याग को कहा, क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। और गृह त्याग करने के बाद ही सन्यास बनने का उन्होंने फैसला ले लिया, ठीक है। आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, हम दो से तीन वीडियो में पूरे बौद्ध धर्म को अच्छे से कवर कर लेंगे, ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट से, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज बताइएगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।